रोज़ों के पाक और मुक़दस अयाम के आगाज़ पर डाइसन कैडिकस कमीशन की जानब से इस्लाम रालपनी डायसिस के बर्शान अंजील के लिए रोज़ों के मुक़दस अयाम की तैयारी के लिए सेंट जोसेफ कैथीड्रल लालकुर्ती में एक रोज़ा सेमिनार का अहतमाम किया गया जिसका मौजू खानदानी साल और रोज़ों के अयाम रखा गया इस मौका पर डायसिस के तमाम बर्शान अंजील ने शिरकत की सेमिनार का आगाज़ इब्तदाई दुआ से हुआ जिसमें रहनुमाई बाबू अरशद नासम ने की जबकि कलामी मुकदस की तलावत में रहनुमाई बाबू इमरान लाजम ने की सेमिनार में बतौर स्पीकर रेवरन फादर फारूक गफ़ूर को दावत दी गई जिन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ रोज़ों का तरीखी पस मंज़र अहमियत अफादियत और रूहानियत को बड़ी तफस के साथ बयान किया नीस उन्होंने ख़ानदानी ज़िंदगी में किस तरह रोज़ों के अयाम हमारे लिए रूहानियत में अजाफ़ा करने का बास बनते हैं इस पर गहरे तौर पर बयान किया पहले सेशन के बाद तमाम बशन अंजील के लिए चाय का अहमाम किया गया और उसके बाद यूखरिस्ती इबादत में क्यादत रेवरड फादर डेविड जॉन डायरेक्टर कैटकस कमीशन इस्लाम आबाद और डायसिस ने की जबकि मामर फारूक़ गफू ने की यूख्रिस्ती इबादत के अखता पर फादर फरूक गफूर का शुक्रिया अदा किया गया और तमाम बशान अंजील को कैटिकस कमीशन की तरफ से तैयार किए गए क़ायद और की बुकलेट पेश की गई प्रोग्राम के अख्ताम पर बाबू आरफ ने बतौर सेक्रेटरी कैटिकस कमीशन के तमाम अहदेदार को ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर आर्च बिशप डॉक्टर जोजफ़ अरशद फादर डेविड जॉन का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी अविमारिया कैथलिक टीवी रिपोर्टिंग पॉइंट। अविमारिया कैथलिक टीवी रिपोर्टिंग पॉइंट।